हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुपद पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलीनोमियल या बहुपद क्या है? आप जानते हैं कि बहुपद और व्यंजक, आप ये जानते हैं कि सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं, और जबकि सभी बहुपद व्यंजक होते हैं। तो आप बहुपद क्या है? तो देखिए दोस्तों, बहुपद ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल धनात्मक पूर्णांक घात के रूप में होती हैं, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। जैसे 3x3, 5xy5, 7x-5, 3x2-5, 3x-7, इस तरह से। ये सब क्या हैं? ये सब बहुपद हैं, किंतु कर्णी में x-5y यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके घात देख रहे हैं यह कर्णी में है, या इसको हम कह सकते हैं कि बटे के रूप में है, यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुपद और गुणांक तथा घातांक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जैसे लिखा गया है कि ax2+bx+c, इसमें आपको बताना है कि यह कौन सा बहुपद है। तो देख रहे हैं इसमें 3 पद हैं, 1, 2, 3, इसलिए इसको कहेंगे ये त्रिपदी बहुपद है। और इसके घातांक क्या होगी, इसके डिग्री क्या होगी, या इसके घात क्या होगी? घात, डिग्री और घातांक एक ही होता है। तो देख रहे हैं इसका घातांक 2 होगा। तो कैसे आप जानेंगे कि इसका 2 होगा? तो इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ी घात होगी तो वही उसका घातांक होता है। इस तरह से इसका घातांक देख रहे हैं, इसका घातांक आ गया 2, इसको आप डिग्री भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको अलग अलग इनके बहुपदों का गुणांक निकालना होगा तो क्या होगा, और घातांक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जैसे लिखा गया है ax2, देख रहे हैं लिखा गया है ax2, तो ax2 का घातांक क्या होगा? इसका घातांक होगा 2, इसका घातांक हो जाएगा 2। अगर पूछा जाए कि इसमें x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक कितना होगा? x² का गुणांक हो जाएगा 2। इसी तरह से हम bx का भी कर सकते हैं। देखिए bx, अगर पूछा जाए bx का घातांक क्या है, तो bx का घातांक होगा 1, और यहाँ पर x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक होगा b। इस तरह से आप c का भी निकाल सकते हैं, c का घातांक होगा 0, क्योंकि इसके साथ किसी भी अचर राशि की कोई घात नहीं है, इसलिए इसका घातांक हो जाएगा 0। और इसलिए अचर राशि हो गई, अचर राशि के लिए कोई गुणांक नहीं होगा। तो इसी तरह से हम इसको भी हल कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है 2y6+y5-y, इसमें आपको बताना कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो इसकी डिग्री या घातांक, तो डिग्री या घातांक क्या होगा इसका? इसका डिग्री और घातांक देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी राशि घात वाली है, जो घात है 6 की, इसलिए 6 हो जाएगा। और ये कौन सा व्यंजक है, आप इसको भी बता सकते हैं। देखिए इसमें 3 पद हैं, इसलिए इसको कहेंगे ये त्रिपदी व्यंजक है। तो त्रिपदी व्यंजक हो गया, और अलग अलग आप इन सबकी घात भी निकाल सकते हैं। देखा जाए कि 2y6 की घातांक क्या है, तो इसके घातांक हो जाएगा 6, और y6 का गुणांक क्या होगा? तो y6 का गुणांक देख रहे हैं कितना है, गुणांक इसका 2 है, इसलिए 2 हो जाएगा। और इसी तरह से आप सबका निकाल सकते हैं, y5 का, तो y5 का घातांक कितना हो जाएगा, 5, और y5 का गुणांक क्या होगा? इसके साथ देख रहे हैं कोई भी अचर राशि नहीं लगी, कोई भी अचर नहीं है, तो इसलिए इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक हो जाएगा 1। तो लिखेंगे y5 का गुणांक बराबर आ जाएगा 1। इसी तरह से हम और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो जैसे देखिए लिखा गया है 3x3-13x²y²+8, पहले इसको आपको बताना है इसकी घातांक क्या होगी, अर्थात इसकी डिग्री क्या होगी। तो देख रहे हैं इसकी डिग्री कितनी होगी,
देख रहे हैं यहाँ पर तीन लिखा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देख रहे हैं लिखा गया है कि यक्स घाते दो वाई घाते दो प्लस आठ। अगर आप यहाँ पर घात इसकी तीन लिख दें तो आपका प्रश्न का जवाब गलत हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ देखना है यहाँ पर यक्स वाई, यह देख रहे हैं इन दोनों के घातांक क्या होगी, इसको आप जोड़ दें कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो इसलिए इस बहुपद का घातांक क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घातांक हो जाएगा चार, इसकी डिग्री हो गई चार। आप अलग अलग इनका निकाल सकते हैं। और ये पद कौन सा है, देख रहे हैं इसमें तीन पद है, इसलिए इसको कहेंगे ये त्रिपदी व्यंजक है या त्रिपदी बहुपद है। तो और इसके साथ साथ देखिए ये हो जाएगा त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद हो गया। इसके साथ अब आपको निकालना है कि यक्स घाते तीन का गुणांक क्या है, तो यक्स घाते तीन का गुणांक क्या होगा, तीन हो जाएगा। और तीन यक्स घाते तीन का घातांक क्या होगा, इसका घातांक हो जाएगा तीन। इसी तरह से तेरह यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका घातांक क्या होगा, इसका घातांक होगा चार। और अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, यक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा तेरह वाई घाते दो, और आठ का गुणांक क्या हो जाएगा, आठ एक अचर राशि, इसलिए इसका कोई गुणांक नहीं है। और इसकी घातांक क्या होगी, शून्य होगी। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद दोस्तों।